हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं घटना चक्र बुक के बारे में। ये होगा भाग 7 और इसमें हम बात करेंगे भूगोल में, और भूगोल के विषय होंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल और हमारा वायुमंडल। इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अब तक SSC एग्जाम के द्वारा पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस वर्ष पूछे गए हैं वो देखेंगे आज हम, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इस वीडियो में पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब अभी मत करिएगा। वीडियो का जब एंड होगा उसके बाद में आपको एक काम करना है, घटना चक्र प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां के सभी वीडियो आपको वॉच करने हैं ढंग से, ध्यान से, कंडीशन अप्लाई ढंग से ध्यान से देखने हैं, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको ये वीडियो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो प्लीज उसको शेयर आप जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये होगा ब्रह्मांड और सौरमंडल। इससे संबंधित हम जितने भी क्वेश्चंस SSC द्वारा पूछे गए हैं, चाहे आपका एग्जाम CGL का हो, चाहे MTS का हो, LDC का हो, 10+2 का हो, स्टेनोग्राफर का हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, SSC के अलावा भी अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस काफी बेसिक क्वेश्चंस है, आपको इतना पता होना ही होना चाहिए। और अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस पहले से ही स्ट्रांग होगा, तो इसलिए बेस स्ट्रांग करना है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अपने पास रख लीजिए एक नोटबुक और पेन, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो सभी क्वेश्चंस आपको वीडियो को पॉज करके नोट करने हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? ये देखी थी मार्कोनी ने, ठीक है। ए जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांतों के अनुसार ये ज्ञात हुआ। मंदाकिनी कैसे बनती है, क्या बनती है, और तो इतना आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछ रहा है बस केवल सबसे पहले देखी थी किसने, मार्कोनी ने, ये इसका नाम है। और थोड़ा सा एक डिटेल और पढ़ते हैं, सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से ये मंदाकिनी देखी गई थी कब? ये देखी गई थी 1610 ईस्वी में। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कब देखी गई थी, ये देखी गई थी 1610 में, और गैलीलियो गैलीली ने इसे देखा था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया? इसका नाम है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 276 ईसा पूर्व में, और इन्होंने ही भूगोल के लिए सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का यूज करा था, या ज्योग्राफी शब्द का निर्माण करा था, निर्मित करा था, इस शब्द को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रह, जो ग्रह होते हैं, गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग क्या होता है? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारे सामने कि धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, आसपास मंडराते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं, तो वो मंडराते हैं आपके सूर्य के इर्द गिर्द। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यह आपका निहारिका। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निहारिका, ठीक है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, आपको इस पर फोकस करना है। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने थे। हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे शुद्र ग्रह, धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल कण वे गैस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पल्सर। पल्सर बाइक आपने देखी होगी, पल्सर बाइक क्या करती है, काफी तेज तेज घूमती है, तो आप याद रखिए तेजी से घूमने वाले तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर। पल्सर मतलब बाइक। तो कभी कभी कुछ वर्डों को इस तरह से याद करना होता है, क्योंकि कुछ वर्ड अगर हमको लगते हैं कि ठीक है रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो हमको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब शायद आपको याद हो गया होगा पल्सर होते हैं क्या, तेजी से घूमने वाले तारे।
अब थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। घूर्णन करने वाला एक न्यूट्रॉन तारा होता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है पल्सर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, जबकि 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती है। याद रखिएगा, 4 जुलाई अधिकतम दूरी और 3 जुलाई न्यूनतम दूरी पर होती है। इन दोनों घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? पहली घटना को हम बोलते हैं अपसोर, इसको बोलते हैं अपहेलियन, या हम बोलते हैं इसको उपसोर। इसका दूसरा नाम है पेरिहेलियन। और ये आपसे पूछता है अपसोर कब होता है, अपसोर की अवस्था क्या होती है जब पृथ्वी सूर्य से, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। दोबारा इस क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यह है 8। टोटल ग्रह कितने हैं? 8, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं सबसे विशाल ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे विशालतम ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह है आपका बृहस्पति। और बाकी देख लीजिए यहाँ पे व्यास किसका किसका क्या है। सबसे छोटे की बात करी जाए तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। इसका व्यास सबसे कम है 4878 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए अभी क्वेश्चन हमने देखा था, 8 और 10 में ज्यादा फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, तो फिर भी हमको घबराना नहीं है। लैंग्वेज चेंज करके वो पूछेगा, उसका वो कॉपीराइट है, एसएससी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन सबसे पूछेगा, यही क्वेश्चन सेम उठाएगा और 2017 के एग्जाम में आपसे पूछेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमको आता ही नहीं था, ये तो किताब में हमने देखा ही नहीं था, फिर हम कहते हैं कि किताब काफी बकवास किताब थी, किताब में से कुछ नहीं फंसा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए हमको लगता है कि कुछ किताब में से आया नहीं। हर किताब ठीक होती है, अच्छी होती है, अगर हम उसको ढंग से यूज करें तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह जो है अवरोही क्रम में है, यह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 12, बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? यह है 0, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। किसका? बुध ग्रह का। देखिए बुध ग्रह का 0 है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। एग्जाम में यह पूछता है कि किस किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, आपको ऑप्शन देगा क्या? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या फिर आपको देगा बुध या फिर शुक्र। तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, और बाकी का क्या है, कोई ना कोई उपग्रह होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसके सबसे ज्यादा क्या होंगे? उपग्रह होंगे। अभी हमने देखा विशालतम ग्रह क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा था? बृहस्पति। और बृहस्पति के क्या है? 67 उपग्रह है। याद रखिएगा जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसके उपग्रह की संख्या भी उसकी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 67। तो आपका बुध और शुक्र दोनों इंपॉर्टेंट थे, और इसी के साथ इंपॉर्टेंट था आपका बृहस्पति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। देखिए अभी हमने देखा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो उसके आसपास उपग्रह घूमेंगे कहां से? ना ही तो उपग्रह होंगे, ना ही वो घूमेंगे, कॉमन सी बात है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह था ही नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा 13 का? बुध और शुक्र। देखिए क्वेश्चंस इसी तरह से वो पूछ रहा है, अभी हमने पढ़ा, पिछला पढ़ते जाना है, आगे भी बढ़ना है, और पिछले को बटोरते रखना है, अपने पास संभाल के रखना है, सजो के रखना है, तभी नंबर आएगा। आगे बढ़ते गए पिछला भूलते गए तो ऐसा नंबर बच्चों नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? यह है बुध। क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका राइट आंसर है आपका केपलर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं, कि बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 डेज का समय इसको लगता है। और आगे बढ़ते हैं, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 डेज के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कितने डेज के बराबर होता है? ये होता है आपका 59 डेज के बराबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? यह है डीमोस। क्वेश्चन नंबर 18 कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण
तारे जो होते हैं पूर्व से ज्यादा पश्चिम में हमको अधिक दिखाई देते हैं। अगर आप पूर्व में देखोगे तारे आपको कम दिखाई देंगे आसमान में देखना आप, और अगर आप पश्चिम दिशा में ये देखते हो तो वहां पे तारे हमेशा ज्यादा दिखाई दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल का जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, ठीक है, एक छेद होता है उसको जहां से क्या कहते हैं तारे और उसकी ऊर्जा निकलती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्हाइट होल। सफेद तारे होते हैं, सफेद होल से क्या होंगे तारे और उसकी एनर्जी निकलेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 की सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम किस किस प्रकार से है? सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो होगा बुध, उसके बाद में आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आएगा आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। इंग्लिश मीडियम के लिए आप याद रखिएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब देखिए क्या होता है कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महासभा की बैठक में क्या हो गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछता है कि बोना ग्रह किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं प्लूटो को। याद रखना प्लूटो को 2006 में जो उसकी श्रेणी में था ग्रह की श्रेणी में, इसको ग्रह से बाहर कर दिया, इसको बोला अब से ये कहलाएगा बोना ग्रह। ठीक है, बोना ग्रह किसको बोलते हैं, बोना ग्रह की संख्या क्या है? तो वो है आपकी प्लूटो की। राइट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य की सबसे निकट है? तो यह है मंगल की। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक होती है? खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक किसकी होती है पृथ्वी से? तो ये राइट आंसर आपका प्लूटो, क्योंकि जो होगा दूर वो उसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी, तो प्लूटो सबसे जो होता है दूर होता है तो उसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? सूर्य के द्रव्यमान का हजारवा भाग। सूर्य के द्रव्यमान का हजारवा भाग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कि एक खगोलीय मात्रक में से किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय मात्रक जो होती है औसत दूरी जो होती है वो होती है पृथ्वी और सूर्य की। याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। क्वेश्चन नंबर 25 है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र, उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, याद रखिएगा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और उसको बोलते हैं सिस्टर प्लेनेट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, देखिए संध्या का तारा, भोर का तारा हिंदी में बोलते हैं संध्या का तारा, ध्यान रखना मॉर्निंग स्टार को बोलते हैं, इवनिंग स्टार को सुबह का तारा, भोर का तारा, संध्या का तारा, ये सब नाम किसके हैं? शुक्र के। और चमकीला तारा कौन सा होता है? शुक्र होता है। और शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का है, याद रखिएगा सेकंड पोजीशन में कौन सा है? यह है आपका शुक्र ग्रह। और सभी ग्रहों में से सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जैसे कि हमने अभी देखा। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन कौन सी होती है? पृथ्वी की बहन होती है शुक्र। तो शुक्र जो ग्रह है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रह है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर की सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। जो सबसे ज्यादा चमकेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के जितना ही बड़ा है? तो यह है आपका शुक्र ग्रह, इसलिए हम बोलते हैं इसको पृथ्वी की बहन। राइट, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को, अभी हमने देखा था। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में कि चांद की तरह जो है दिखने वाला ग्रह कौन सा है? ये दिखता है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 29 की सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? दो भाग में। और पृथ्वी की सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह है आपका सूर्य। देखिए सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? तो इस तारे का जो नाम है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 31 कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब जो होती है तो वो होती है 3 जनवरी को, और इसके विपरीत 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को होता है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। इस स्थिति को बोलते हैं अपसोर।
ठीक है। अब सौर स्थिति क्या होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को, और इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं क्या, अपसौर। और जो होता है सबसे निकट होता है कब, ये होता है 3 जनवरी को। तो दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, नोट करनी है, और प्लीज इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और 3-4 बार इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। ये आपका प्रोगिज्मा सेंचुरी, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, मात्र शायद अभी 15 से 20 सेकंड हुए होंगे, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे इसने पूछ लिया 2010 में एसएससी सीजीएल में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 34 की, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य की जो आउटर जो लेयर होती है, बाहर की लेयर जिसे हम देखते हैं डायरेक्ट कि हाँ यार सूरज वो है, इसकी बाहर की एक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रीट या कोरोना। क्या बोलते हैं, क्रीट या कोरोना। अब बात करते हैं हम लोग, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है। ये होता है नाभिक के संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा बनती है, सूर्य चमकता है कंटिन्यू, हमको क्या देता है सूर्य, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य से हमको। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। ये थोड़ा भूगोल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको शायद इसके बारे में पता होगा बहुत अच्छे से, कि सूर्य के द्वारा हमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, किस विटामिन की कमी के द्वारा। अगर हमारे पास उस विटामिन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, सूर्य के पास जाके बैठ जाते हैं, सूर्य के पास इन द सेंस छत में जाके बैठ जाते हैं। पास जाओगे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ये करा जाता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 की, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहते हैं, रेड ग्रह। हनुमान जी कैसे होते हैं, हनुमान जी का व्रत कब लेते हैं हम लोग, मंगल को, ठीक है ना। और हनुमान जी का कलर क्या होता है, लाल रंग के हनुमान जी भगवान होते हैं, तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लीजिए, भगवान जी आपको पता होंगे हनुमान जी लाल रंग के होते हैं, ठीक है। वैसे तो होते ऑरेंज कलर के हैं, लेकिन उनको लाल ही बोलते हैं, तो मंगल ग्रह लाल ग्रह से संबंधित है और ये नाम भी उनके भगवान जी के नाम पर ही पड़ा है। तो सूर्य की दूरी से क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से ये 7वां स्थान है इसका, मंगल ग्रह का, ठीक है। सूर्य की दूरी से देखें तो ये चौथा है, और अगर बात करें साइज की, इसकी शेप की, तो इसका 7वां स्थान है मंगल ग्रह का। इसकी छवि लाल रंग जैसी दिखती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, की मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, तो यह है भारत। और निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, तो वो कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश मात्रा में क्या होता है, पानी होता है, और पानी कैसा होता है, ब्लू पानी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, सॉरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य होता है, पृथ्वी पे जब उसका प्रकाश पहुंचता है तो एक टाइम लगता है उसको। ये नहीं कि सूरज डायरेक्ट अचानक से पैदा हो गया, अचानक सामने आ गया, ऐसा नहीं होता। हल्का हल्का सूरज आता है, उगता है, और उसकी किरण को पहुंचने में धरती तक, पृथ्वी तक टोटल लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप एक काम करिएगा, याद रखिएगा, इसमें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, लगभग अप्रोक्स माना गया है। तो 500 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 48 480 का आ गया सेकंड आ गया, और 20 सेकंड, तो 480 का बन गया आपका, तो क्या बन गया, 8 मिनट और 20 सेकंड के बराबर होता है। अतः विकल्प जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपके एमटीएस एग्जाम में, अगर नहीं हुआ है तो एग्जाम अब होने वाला है एमटीएस का गेंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 की ओर, कि सूर्य की रोशनी मतलब धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। तो आप याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड के नियर में कौन कौन सा रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड के नियर में केवल आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। 8 मिनट साफ साफ आपको दे दिया, बट आपको राउंड फिगर याद नहीं करनी है, आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है 8 मिनट 20 सेकंड, और जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा 8 मिनट आपको वही लगा के आना है अपने एग्जाम में। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसने पूछा, 40 और 41 में पूछा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। अब लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, अलग तरीके से पूछा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सेंटेंस थोड़े से चेंज कर देगा, आपका प्रेजेंटेशन जो अपने क्वेश्चन का चेंज कर देगा, और जिसको आता है तो वो अच्छे से इसका आंसर आके आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की गिर्द घूमता है, तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है, तो ये आपका आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में क्या होता है। रात्रि मतलब मध्य रात्रि मतलब रात को 12 बजे, आप लोग 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 11 बजे सूर्य देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, आर्कटिक और
अंटार्कटिक क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो वहां पे मध्य रात्रि का सूर्य आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना मतलब दिखना, नजर आना, तो उसको बोलते हैं सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, देखिए नासा में किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया गया। मैसेंजर सैटेलाइट जो लॉन्च करा गया वो करा गया बुध के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा करा गया, ये करा गया नासा के द्वारा। याद रखिएगा नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट जो लॉन्च करा वो किसके अध्ययन के लिए करा था, ये करा था आपका बुध के लिए, इसको बोलते हैं मरकरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, हम सदैव चंद्रमा में उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समय समान लेता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है, परछाया। और लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल, जो छोटे छोटे ज्वार भाटा होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं थोड़े से दुर्बल, कमजोर। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं इसमें कि लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचा होता है, नीचे होता है, और जबकि दीर्घ जो होता है सबसे लंबा जो आता है वो आता है ज्वार भाटा 20% अधिक या ऊंचा होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, 49 हमसे कह रहा है कि महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है क्या, ज्वार भाटा, ठीक है। महासागरों की सतह पर और सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनता है क्या, ज्वार भाटा, ये बनता है आपका ज्वार भाटा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो किस किसके बीच में लगता है और जिसके द्वारा क्या होता है, ज्वार भाटा का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। तो क्या रखोगे आप, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, तीनों का नाम आप साथ साथ ले लोगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, तो क्या आता है, सिंपल ज्वार भाटा का जन्म होता है। तो आप इसको प्लीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सागर में बहुत ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ज्वार कब उठते हैं, व्रत मतलब बहुत ही बड़ा ज्वार भाटा कब आता है, जब पूर्वमासी तथा अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या के दिन में और पूर्वमासी के दिन में क्या आता है, व्रत ज्वार आता है। अब बात करते हैं, देखिए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, आप पृथ्वी पर रहते हैं, सूर्य आपने देखा होगा, चंद्रमा आपने देखा होगा, जब ये क्या होंगे, एक सीधी रेखा पे आएंगे तो उनकी सम्मिलित शक्ति से क्या होगा, व्रत ज्वार उठता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, पूर्वमासी वे अमावस्या। अब आप एक काम करिए, आपने पेपर उठा रखा होगा, गोल गोल तीन गोले बनाइए, एक पे लिखिए पृथ्वी, ठीक है, एक पे लिखिए सूरज, एक पे लिखिए मून मतलब चांद, उनके ऊपर एक सीधी लाइन खींच दो। एक सीधी लाइन खींचने के बाद में उसी से ज्वाइंट करे हुए तीन गोले बनाइए, तो आप उसके इक्वल में लिखिए क्या, बृहत ज्वार, बड़े ज्वार, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। और ये कब आता है, सिंपल पूर्वमासी और अमावस्या को होता है, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है तो शायद उनको पता चल गया होगा कि बृहत ज्वार कब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है, तो वह है पृथ्वी। हीलियम प्रचुर मात्रा में कौन से ग्रह में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पृथ्वी पर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, अपने अक्ष पर कितने आनित पर झुकी है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी घूमी हुई है, 23.5 डिग्री अंश, ठीक है। और पृथ्वी अपने तल पर, ठीक है, तल पे जो है झुकी हुई है, वो झुकी हुई है 66.5 अंश का कोण बनाती है, झुकी है 23.5, लेकिन क्या होता है इससे डबल क्या करती है वो अपना, सॉरी 66.5 जो बनाती है अपना कोण बनाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी होती है एक चक्कर जो पूरा करती है उसमें टोटल उसको कितना समय लगता है, उसको लगता है टोटल 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। पूरी फिगर याद करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने देखो 23 घंटे 23 घंटे देगा, पक्का देगा, तो आपको मिनट भी याद करने हैं और सेकेंड भी आपको याद करने हैं। तो इसको बोलते हैं, इसे पृथ्वी का परिभ्रमण समय कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब रोटेशन टाइम, टोटल कितना लगा पृथ्वी को, तो आप याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, अभी इसको आप याद करिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 55 है कि दिन और रात बनते हैं कब, घूर्णन की गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो ये होते हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, टोटल कितने हो गए 24 घंटे। तो ऐसी कंडीशंस कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपकी भूमध्य रेखा पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मतलब बोर नहीं हो रहे होंगे।
क्वेश्चन 57 है, सुपरनोवा क्या है? यह है विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। अब बात करते हैं पृथ्वी की परिधि क्या है। पृथ्वी की परिधि जो है कम से कम, अब इसमें जो है एक डाउटफुल केस है, इसमें लगाया गया स्टार उत्तर में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कई बच्चों को समझाया था, जिसने वो वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है। अगर आप पहली बार देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि SSC क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम हो जाता है, बच्चे एग्जाम देकर घर पे आ भी जाते हैं, अगले दिन बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत था। वो क्या करते हैं, वो एक चैलेंज मारते हैं SSC डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपने ये क्वेश्चन गलत पूछा। ठीक है, तो SSC क्या करता है, SSC ये डिक्लेयर करता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था। अगर वास्तव में क्वेश्चन गलत होगा तो SSC डिपार्टमेंट इस बात को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद हर एक बच्चे को एक एक नंबर मिलता है। लेकिन नंबर किस कंडीशन में मिलता है आप याद रखिए, नंबर उस कंडीशन में मिलेगा आपको अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा तो, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। राइट, तो अब थोड़ा सी डिटेल में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर लगभग इतने मील या फिर इतने किलोमीटर, जबकि ध्रुव पर क्या होती है इस फिगर के साथ में जुड़ी हुई है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी मैच मेकिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिक हमारा मैच नहीं कर रहा है ABCD में, तो हमारा यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 59 की ओर कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू होती है। तो ये होती है मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई, तो ये हुई आपकी मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालीन उपग्रह जरूरी है, तो वो है आपके तीन, वो है आपके तीन। देखिए अब हम बात करते हैं वन लाइनर GK क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मतलब कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए गए हैं जो फिलहाल जिसके आपके पास विकल्प नहीं होंगे, केवल डायरेक्ट एक लाइन में उसका आंसर होगा। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए हमारी आकाश गंगा की जो आकृति होती है किस प्रकार की आकृति होती है, तो ये होती है बैरेड स्पाइरल, मतलब दंड सज्जित सर्पिलाकार। तो आपसे एग्जाम में देखिए दंड सज्जित नहीं पूछेगा, 2003 में पूछा गया था, उसके बाद में ये वर्ड उसने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा। तो केवल और केवल सिंपल आपको याद रखना है कि हमारी आकाश गंगा की जो आकृति होती है, जो फिगर होती है, किस प्रकार की होती है, वो होती है सर्पिलाकार, मतलब स्पाइरल। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखते हैं ना, स्पाइरल स्प्रिंग जो होती है सिंबल, वैसे। अब बात करते हैं उस आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता होती है और शुक्र ग्रह के चारों ओर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की एक मोटी परत होती है। शुक्र ग्रह के चारों ओर कौन से अम्ल की परत होती है आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है प्लीज बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा, देखिए ये SSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, अगर आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस है, आपको इतना इतना पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, यह है सिलिकॉन। और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये था अप्सोर कहा जाता है ऐसी कंडीशंस को, और पृथ्वी के एक तरफ मंगल और दूसरी तरफ क्या है, यह है आपका शुक्र। आप इमेज ड्रॉ करिए, एक तरफ लिखिए, बीच में आप लिखिए पृथ्वी, और एक तरफ बनाइए मंगल, और एक तरफ बनाएंगे आप क्या, एक तरफ बनाएंगे आप शुक्र। ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे पृथ्वी, यहाँ लिखिए अपना सिंपल पृथ्वी, एक तरफ यहाँ पे आप मंगल कर लीजिए, मंगल लिख दीजिए गोला करके, और एक तरफ लीजिए आप शुक्र, तो बीच में पृथ्वी, मंगल, शुक्र आजू बाजू में, ठीक है, अगल बगल में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, पृथ्वी से निकटतम कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह की कक्षा है, और शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, सायकाल का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, बहुत सारे इसके नाम हैं, चमकीला तारा। लो जी, तो अगर कोई भी अगर उपनेम आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है इसका। आगे बात करते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, जैसे कि हमने भी आपको बताया था। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड, सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह शुक्र मतलब वीनस और अरुण है, यूरेनस मतलब अरुण ग्रह क्या होते हैं, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, ग्रीन लाइट कौन उत्सर्जित करते हैं, ये करता है यूरेनस मतलब अरुण। अब देखिए हम वीडियो में बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा वायुमंडल। देखिए
बुक बहुत मोटी है, इसके कम से कम 500 से 600 पेज होंगे अप्रोक्स, कम से कम इतने पेज हैं, बल्कि ज़्यादा ही है, 700 पेज करीब की ये बुक होगी। तो मुझे जल्दी जल्दी वीडियो कवर करना है, अगर मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट बनाऊंगा तो वीडियो बहुत सारे बन जाएंगे और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैं मैक्सिमम टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो हाईलाइट करने वाला जो काम होता है वो मैं पहले से ही रखता हूँ। ब्रह्मांड और सौरमंडल का एक अलग टॉपिक था और हमारा वायुमंडल ये अलग टॉपिक था, मैं इसको सबको मर्ज करके केवल सिंगल एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी लेंथ बढ़ सकती है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि वीडियो जब बनता है, जब कोई समझाने का टाइम आता है तो समय का पता नहीं चलता कि वीडियो की लेंथ कितनी बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखने से बोर हो जाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप वीडियो को या तो क्लोज कर दीजिए बीच में 30 मिनट के बाद ही, और आगे का वीडियो कल परसों जब आपको टाइम मिले तब देख लेना। तो मुझे लगता है कि देखिए टाइम को लेकर के अगर आप स्टडी कर देंगे, ठीक है मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मैं बोर होता हूँ, तो देखिए आपके बोर होने से कुछ नहीं होता, आप बोर हो जाते हो, आपको मन नहीं लगता, तो देखिए आप अपने आप को चेंज करिए थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई आधे घंटे में नहीं होगी, SSC आपको क्रैक करना है, तो SSC के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि वायुमंडल वायुमंडल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये शायद 10 मिनट का ही वीडियो बनेगा और इससे ऊपर नहीं बनेगा, मैं इसके टोटल क्वेश्चन चेक करना चाहूंगा। वायुमंडल से संबंधित हमारे पास टोटल जो है वो है 20 क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है तो 20 क्वेश्चन देखते हैं आगे, कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कहते हैं मौसम विज्ञान। ठीक है वायुमंडल घटना के अध्ययन को कहते हैं मौसम विज्ञान, और पृथ्वी से, हाँ देखिए मौसम विज्ञान की जगह आपको ऑप्शन में क्या दे सकता है, वो दे सकता है आपको मेटीरोलॉजी। ठीक है ना मेटीरोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पृथ्वी से टकराने वाले पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है, ये होता है ओजोन, ओजोन परत लेयर का क्या होता है नुकसान होता है तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, ये कहते हैं शोभमंडल। शोभमंडल याद रखना, वायुमंडल की सबसे निचली परत फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, प्रथम लेयर कौन सी होती है, आपसे पूछता है प्रथम लेयर कौन सी होती है, प्रथम परत कौन सी होती है, प्रथम रेखा कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा शोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं यहाँ घटित होती हैं, कहाँ पर, शोभ मंडल में। मौसम संबंधित गतिविधियां कौन से मंडल में होती हैं, कौन सी परत में होती हैं, तो आपको याद रखना है शोभ मंडल। एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है, नाइट्रोजन से। देखिए वायुमंडल में मैक्सिमम क्या पाई जाती है, वायुमंडल की जो निचली स्तर होती है वो होती है शोभमंडल, जैसा कि हमने अभी देखा था, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, कितना परसेंट, 78%। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78.03। देखिए टोटल जो फिगर है वो है 78.03, एग्जैक्ट जो अमाउंट में हमको पाई जाती है नाइट्रोजन गैस वो होती है 78.03, लेकिन आपको याद रखना है 78% तो भी चलेगा। ठीक है तो 78 के आसपास क्या दिखाई दे रहा है आपको 7 में, ऑप्शन सी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है आपका, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहते हैं, 16 से 8 किलोमीटर जो बीच का जो ध्रुव होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं शोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए हाँ देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, शोभमंडल की जो ऊंचाई होती है ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर होती है तथा भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती है 16 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या टोटल कितनी है, कितनी लेयर होती है पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो वायुमंडलीय परत कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या फिर मध्य मंडल, ये बोलते हैं हम लोग। टोटल जो हमारी परतें होती हैं टोटल 5 होती हैं, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल, तो ये मंडलों के नाम होते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तरीके से, सबसे पहले आती है शोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल। देखिए किलोमीटर से दे रखा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको पूरा कंप्लीट ही नोट कर लें और इसको याद कर लें, यहाँ से यहाँ तक का आपका बाह्य मंडल हो गया 5 लेयर, यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर तक, तो बस आप केवल ये नोट करिए इतना, और कहाँ तक नोट करना है आपको, केवल यहाँ तक याद करना है, किलोमीटर तक, बस इतना नोट करिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। देखिए सही क्रम क्या है, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और या फिर हमको इसको बोलते हैं आयतन मंडल। तो परिवर्तन मतलब शोभ मंडल, शोभ का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजेस, तो
शोर मंडल बोल सकता है आपको, परिवर्तन मंडल बोल सकता है, या फिर आपको कोई और नाम देगा तो चेंजेस मंडल जो होते हैं, परिवर्तन और शोर मंडल दोनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना बस। इन शॉर्ट में कहानी ये थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? ये होती है ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई, सबसे कम होती है। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई सबसे कम होती है, उसको बोलते हैं शोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? शोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह क्या है? वह है आपका आयन मंडल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? तो 300 किलोमीटर तक उसका आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम कहते हैं सौर्य विकिरण, इसको बोलते हैं सौर विकिरण। आपको सौर्य देगा, सौर देगा, सूरज विकिरण देगा, कुछ भी कह सकता है वो आपको, लेकिन आपको याद रखना है विकिरण ऊष्मा, इसके द्वारा हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कि किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? जो वो होता है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 16, कि शोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग होता है। शोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग होता है, क्योंकि यह पृथ्वी से पृष्ठ से तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? यह है आपका अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, याद रखिएगा। ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक छीना या आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था किसने? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो का जो आयोजन करा गया था, मतलब पृथ्वी बचाओ का जो आयोजन शुरुआत करा था, ये करा था आपका UNCED ने। मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 14 जून 1992 को इस दिन हुआ था। उस दिन के बाद से पृथ्वी बचाओ दिवस स्टार्ट हो गया। अब मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए डेज को लेकर के आपसे एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछता है। आई होप अगर आपको तैयारी करते हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, आपने डेज तभी याद करे होंगे। अगर डेज आपने याद नहीं करे, आपको नहीं पता कि जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर योग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्लीज 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 आप एक काम करिए, डेज आप गूगल पे सर्च मारिए, सारे डेज की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, वो सभी आप याद कर लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल आपको चीटिंग नहीं करनी है, अभी केवल आप मुझको बताइए कि पृथ्वी दिवस, अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है, कभी याद करे थे भूल गए, कभी भूला कभी याद किया, आपने ऐसा कुछ करा है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक बार अपना जो भी आपका आंसर था वो कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, साइड में अपना नोटबुक में लिख लीजिए और उसको मैच करिए कि आपका राइट आंसर क्या था। अगर राइट था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ इसका राइट आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कभी कभी कि ताप में वृद्धि से वायुदाब क्या होगा, कम होगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं। ऑप्शन आपको ये देगा 4, तो याद रखिएगा वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है अगर ताप में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं वन लाइनर जीके के बारे में। छोटी छोटी लाइन में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होता है, सर्वाधिक घनत्व जो होता है वायुमंडल में। आगे बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने की स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चांद आ जाएगा तो चांद एक रुकावट बन जाएगा सूर्य के ऊपर। भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चांद आ जाएगा तो क्या होगा? तब बनेगा सूर्य ग्रहण। और ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये कंडीशन क्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है एलिबेडो। ठीक है, याद रखिएगा एलिबेडो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ये बस नहीं एक्चुअली बहुत कुछ था। इसमें हमने टोटल क्वेश्चंस डिस्कस करे, इस वीडियो में टोटल हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस करे, उसके अलावा हमने देखे वन लाइनर जीके जो मैंने काउंट नहीं करे। तो सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, एसएससी के अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट हमेशा रहेगा।
और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्लिक करना बेल आइकन को, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो जब भी कभी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी यही रखता हूँ कि डेली के कम से कम 2 वीडियो आपको मिले, और जो मिलते भी हैं। और कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और एक बार जाने से पहले, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है इस बुक की, घटना चक्र बुक की, तो आप सबसे पहले जाइए, ज़रूर देखें आज ही घटना चक्र किताब की प्लेलिस्ट को। मतलब कि एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है घटना चक्र किताब, घटना चक्र बुक। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, आपको उसमें इस बुक से संबंधित ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। उन सबको देखिए, पढ़िए पूरी ईमानदारी के साथ। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।